गंगा तरंग रमणीय जटाकलाप गौरी निरंतर विभूषि त्वाम भागम नारायणो प्रियमनंगुमदापहारम वरानुसि पुरपति भज विशनाथम वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्जस्य च भक्षसि यस्यास्ति हृदय संभी त्वं निशिंगमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे त्वं भक्ति योग परिभावित हित सरोज आससे श्रुते क्षित पतन नुनास पुंसा जद जद धिया तुरुगाय विभावयति तत्तद वपु प्रणयसे सदनु गृहाय त्वं भक्ति योग परिभावित हित सरोज आससे श्रुते क्षित पतन नुनाथ पुंसा यद यद धिया तुरुगाय विभावयति तत्तद वपु प्रणयसे सदनु गृहाय गौरी गोष्ठी भक्ति शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपा परमहंस जगत गुरु जी ने बताए वास्तविक भक्ति लाभ करने का क्या उपाय है। भक्ति लाभ करने के लिए अगर इच्छा है दिल में तो पहले ही 64 किस्म का जो परम मुख्य भक्ति अंगों का परम 64 किस्म का जो भक्ति अंग है इनमें से सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट सद्गुरु चरण का आश्रय लेना जरूरी है। गौरी गोष्ठीपति शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी भोपाल परमहंस जगत गुरु जी ने बताएं भक्ति वास्तविक भक्ति लाभ करने का अगर इच्छा है तो सबसे पहले 64 किस्म का भक्ति अंगों का अंदर में सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट सद्गुरु चरण का आश्रय लेना जरूरी है, क्योंकि सद्गुरु चरण का आश्रय लिए बिना हरिभजन होता ही नहीं। प्रभुपाद जी ने कह रहे हैं सद्गुरु चरण का पाद पद्म आश्रय नहीं करने से किसी भी हालत से कभी भी भक्ति में अधिकार नहीं होती। आश्रय ग्रहण छोड़ के आश्रय ग्रहण छोड़कर श्रवण कीर्तन ये भी सुफल प्रसव करने में समर्थ नहीं है। आश्रय ग्रहण छोड़कर वास्तविक बहुत आदमी आश्रय लेने का बहाना करता है। वास्तविक आश्रय मतलब तन मन जीवम गुरुपति अर्पण सदा हरि नाम रटा सर्वांगीण रूप से गुरुचरण में अपना अभिमान को समर्पित करके, सिर्फ अभिमान नहीं सब कुछ। जब गुरु जी का कृपा मिले तब हमारा श्रवण कीर्तन में अधिकार बनता है। वास्तविक श्री गुरुपाद पद्म सदगुरु का चरण नहीं सदगुरु जी का चरण पाद पद्म आश्रय नहीं करने से कभी भी किसी का भी भक्ति में अधिकार नहीं बनता। और आश्रय ग्रहण लिए बिना
और आश्रय ग्रहण लिए बिना श्रवण कीर्तन जो भक्ति अंग का मुख्य अंग है, ये भी सुफल गुड रिजल्ट परफेक्ट रिजल्ट दे नहीं सकता। आश्रितो मतलब शरणागति ना होने से, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि करने से एकमात्र तो सुकृति संचित होता है। आई बात समझ में, केवल मात्र तो सुकृति संचय होता है। आश्रय गोहन छोड़कर श्रवण कीर्तन कभी भी अच्छा फल दे नहीं सकता। आश्रितों व शरणागति नहीं होके अगर श्रवण कीर्तन स्मरण आदि करने से केवल सुकृति संचय होता है। वास्तविक रूप से शुद्ध सेवा में अधिकार नहीं बनता। अहो भाग्य से कृष्ण कृपा के द्वारा सद्गुरु लाभ होता है। मैंने पहले भी बोला, भगवान खुद शास्त्रों का रूप पकड़ कर आते हैं, धाम नाम परिकर संत महात्मा का वेश धारण, गुरु का वेश धारण करके भगवान खुद आते हैं। और गुरु अगर मिले सदगुरु, वो भी अहो भाग्य से भगवान का अप्रूवल है। बहु भाग्य से कृष्ण कृपाए सदगुरु लाभ होता है। जो व्यक्ति सर्वस्व अर्पण करके श्री गुरुपाद पद्म का आश्रय करता है, कुछ चीज कुछ वस्तु कुछ भी नहीं, अपना लिए संरक्षण, अपना लिए संरक्षण करके कुछ भी नहीं रखते, सो सर्वस्व अर्पण करके गुरुपाद पद्म आश्रय होता है। और कृष्ण दीक्षा और कृष्ण शिक्षा सीखने का, कृष्ण दीक्षा और कृष्ण शिक्षा मिलने का पॉसिबिलिटी संभावना है। पार्शियल एक्सचेंज गुरुजी का साथ, हाँ गुरुजी से आश्रय लिया है लेकिन हम 10% सबमिशन किया, आंशिक पार्शियल एक्सचेंज ऑफ व्यू, पार्शियल एक्सचेंज ऑफ शरणागति आत्मनिवेदन तो कभी भी होता नहीं। आंशिक आदान प्रदान के द्वारा सर्वात्मनाश्रित पद होना संभव नहीं है, कई बार चर्चा हो चुका है। जे शाम सहीश भगवान दयेद अनंत सर्वात्मना सिद्ध पदम यदि निर्वलिकम ते दुस्तराम चौतरंति हैं ते दुस्तराम अतितरं चेव मायम न ममाहमीति धी हैं सशिकाल भक्षे। भगवत दर्शन भगवत सेवा प्राप्ति का रास्ता क्या है? न सुतिक्षित पतन अनुनाथ भूषण, सुतिक्षित पतन अनुनाथ भूषण यही है भगवत दर्शन भगवत सेवा प्राप्ति का रास्ता। सुतिक्षित पथ, सुतिक्षित पतन, ये भगवत दर्शन का रास्ता है। सुतिक्षित में पहले ही ये दो आंखों से देखने का कोशिश करने जाए, पहले ही ये दो आंखों के द्वारा तत्व वस्तु का दर्शन करने जाए तो ये फाजिल बन जाएगा, गिर जाएगा। इसीलिए सुतिक्षित पथ, पहले श्रवण करो, शोभन करने के बाद हृदय में दर्शन का क्षमता पैदा हो जाएगा, इसका बाद दर्शन करो।
पहले ही आप दर्शन करने का कोशिश करोगे होगा। इसलिए सुदक्षित पथो ये जरूरी है, विश्वनाथ चतुर्दशी व्रत बोला है। शोभनानुग्रहे शुद्ध चित्ते भगवत दर्शन होता है। आदौ गुरुमुख में सौतवाणी सुनकर इसके बाद भगवान को दर्शन करने का प्रयास प्रचेष्टा करें, नहीं तो बेकार हो जाएगा, नहीं तो बेकार हो जाएगा। सुतक्षित मतलब पहले शोभन करो, सौत पंथा में अवस्थित हो जाओ। सुतक्षित पथ मतलब पहले सौत पंथा में अवस्थित हो जाओ, सौत वाणी में, सौत वाणी में रहकर शोभन करते करते सुदक्षित पथो दिख जाएगा फिर तत्व वस्तु। सुदक्षित पथो ननुनाथ ननुमान में निश्चितमेव, निश्चितमेव, इससे अलावा और दूसरा कोई रास्ता है नहीं। सुदक्षित पथो ननुनाथ पुंज जद जद धिया तो उरुगाय विभाव यति तत्तद वभु प्रणय से सदनुग्रहाय। ये सारे बात भगवान परात्पर अखिलेश्वर गोविंद जी ब्रह्मा को बता दिया, ये सारे बता दिया, सारे चीज पंचो श्लोकी बोलकर ब्रह्म संहिता का अंतिम पर्व चल है। आज ही काल सोचा कि ये समाप्त कर दे, बाद में सोचा है समाप्त करने से थोड़ा अधूरा रह जाएगा, क्योंकि इसका सर्वे ब्रह्म संहिता से विष्णु तत्व शंकर तत्व देवी तत्व माया तत्व ये सोरा समझ के उसका बाद आज समाप्त घोषित किया जाएगा। इसके लिए क्षमा मांगना जरूरी है, क्योंकि काल सोचा कि लेकिन सोचा ना थोड़ा बहुत चर्चा करना जरूरी है। शौत पंथा में अवस्थित होकर फिर उसका बाद आंखें खुल जाता है, फिर दर्शन का सुजग होता है। जैसे गुरु दर्शन पहले होना जरूरी है, गुरु दर्शन होने से गुरु दर्शन का माध्यम धाम दर्शन भगवत दर्शन सारे होता है। गुरु दर्शन अगर नहीं हुई तो कुछ नहीं होने वाला है। गुरु दर्शन सबसे पहला चीज है। और अज्ञान अतिविनाश ज्ञानांजन श्लाघ्य चक्षुर्मीलित इतना श्लोक तो ये तो बोलते रहते हैं, लेकिन अनुभव करना उचित है। अनुभव में आना ये जरूरी है, अनुभव में आना ये बड़ा जरूरी है। सुदक्षित पथो ननुनाथ पुंसम गुरुपाद पद्मों का माध्यम हमको अपराकृत जगत देखना है। कई बार पोपा जी ने कहा गुरुपाद पद्मों इज अ ट्रांसेंडेंटल मीडियम और ट्रांसपेरेंट मीडियम थ्रू व्हिच आई कैन सी व्हाट इज व्हाट देयर इन अपराकृत जगत। इसका पहले दर्शन नहीं होता, दर्शन होना संभव है। इसी का नाम है सुदक्षित पथ, इसका नाम है शौत पंथा। और चैलेंजिंग मूड लेकर भगवत दर्शन संभव नहीं है, भगवान का तत्व जानना संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं। काल 61 नंबर श्लोक तब हमने चर्चा किया, बाद में सोचा कि ठीक है समाप्त घोषित किया जाए, बाद में सोचा समाप्ति घोषित किया जा सकता, लेकिन इसमें हमारा जो सर्वे है इतना दिन तक ब्रह्म संहिता का चर्चा की, इसमें द्वारा विष्णु तत्व का गहरा विचार शंभु शंकर देवी और काल ये सब चर्चा की। धर्मान अन्यान परित्यज्यो मामेकं भजो विश्वसम
जादृशी जादृशी सद्या सिद्धिर भवति तादृशी। कुर्वन् निरंतरं कर्म लोको अयम अनुवर्तते तेनैव कर्मणा ध्यायन् मान परां भक्ति मिच्छति। इस बारे में कल चर्चा हुआ कैसे लौकिक पारलौकिक लौकिक औपाधिक जितना सारे धर्म हैं मनोधर्मों समाज धर्मों सारे उपाधिक धर्मों को परित्याग करके भगवान ने ब्रह्मा जी को बताए विश्वास पूर्वक पूर्ण विश्वास के साथ हमको भजन करो। श्रद्धा जैसा जैसा बढ़ते चलेगा ऐसा ऐसा रूप सिद्धि भी प्राप्ति होते चले। सर्वधर्मानं परित्यज्य मामेकं शरणं भजो अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। इस जगत निरंतर कर्मों में डूबे हुए हैं, इस जगत में निरंतर कर्मों करते करते तमाम लोग विराजमान रहता है और उसी उसी कर्म के द्वारा भगवान ने बताया ब्रह्मा जी को उसी उसी कर्मों के द्वारा हमको ध्यान करके पराभक्ति रूपा प्रेम लक्षण भक्ति को पा सकते हो। ऐसा बारे में बताया बाद में बताया ये इससे बढ़कर सेवस कर अच्छा चीज कुछ नहीं है। इसका पहले का श्लोक 60 नंबर यशहा सेवस करम नास्ति जया निवृतिम अपनुयात या साधयति माम एव भक्तिम तमेव साधयत। ये सब चर्चा हुआ है और हमने चतुर्श्लोक की भागवत से अंतिम श्लोक को उठा के प्रमाण किया। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं एतत् मतम समातिष्ठ परमेन समाधिना भवानुकल्प विकल्पेषु न विमुह्यति करहिचित। भगवान का ये आशीर्वाद है ब्रह्मा के ऊपर। यूं के ब्रह्मा के ऊपर आशीर्वाद है जो आप सृष्टि का कर्म करते हुए सृष्टि काम का बीज है ब्रह्मा का अंदर में ये रजगुण में विभावित तो कर ब्रह्मा जी को रजगुण के द्वारा विभावित करके अपना काम को हासिल करता है भगवान। शंकर भगवान का अंदर में तमगुण का प्रभाव डाल के भगवान अपना सेवा को हासिल करते हैं। ये नियम है। इसके बाद बताएं हमने चतुर्श्लोक के भाग भागवत का अंतिम श्लोक एतत् मतम समातिष्ठ परमेन समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति करिष्यत। यह आशीर्वाद है सृष्टि का किया कर्म करते हुए भी आपका कोई बंधन का कोई विषय नहीं रह सकता। ये मेरा आशीर्वाद रहा। एकदम अंतिम श्लोक 62 नंबर 62 नंबर श्लोक में बताया भगवान जे मैं ही सब कुछ हूँ और जो डाइवर्सिफाइड जो अनुभव होता है ये भी मेरे से होता है। एक्चुअली मैं ही सब कुछ हूँ सबका अंदर में बाहर में कई आओ नित्यो नित्यानम चेतनश्चेतनानम एको बहूनम जो विद्युधाति कामान। हाँ ये श्लोक भगवान
पंच श्लोक में ब्रह्मा जी को जो उपदेश दिया है इसका अंतिम उपदेश है, अहम ही विश्वस्य चराचरस्य बीजम प्रधानम प्रकृति ही पुमांस्य माया ही तम तेज इदम विवर्षी विधे विदेही तम अथु जगयंती। क्या बताया, अहम ही विश्वस्य चराचरस्य, ये चराचर ब्रह्मांडों का मैं बीज हूं। जैसे बीज गाछ में जब बदल जाए, बीज से अंकुरोद्गम, अंकुरोद्गम करने के बाद अगर नसीब मिला इसके बाद होता है। अहम ही विश्वस्य चराचरस्य बीजम प्रधानम प्रकृति ही प्रमांस्य मया हितम अहितम मया अहितम तेजो इदम विवर्षि विधे विदेही तम अथो जगन्ति। जब बीज पेड़ में बदल जाता है तो बीज दिखता नहीं, बीज दिखता नहीं, ऐसा नियम है। लेकिन भगवान का बारे में, भगवान का बारे में बताया गया भुवनद्रुम, भगवान का बारे में बताया गया भगवान भुवनद्रुम है। भगवान को भुवनद्रुम माना गया, अर्थात ऐसा ना समझे कि भगवान विकार प्राप्त होके ये ब्रह्मांड हो गया, ऐसा मत सोचे। भगवान का विकार प्राप्त होकर ये ब्रह्मांडों का परिणति ऐसा सोचे समझे तो गलत है। ये इस बारे में हमने चर्चा भी की, यद्यपि भगवान से ही ये जगत आए हैं लेकिन भगवान का माया से, भगवान विकार प्राप्त होकर, भगवान विकार प्राप्त होकर जगत परिणाम, ऐसा गलत सिद्धांत तो ना सोचे। चतुश्लोकी सप्तश्लोकी गीता में है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म बारं मम अनुस्मरण यह प्रयाति त्यायन देहम सयाति परमां गति स्थाने स्थाने ऋषिकेश तव पकृत्वा जगत प्रहस्यात्तन रज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो दवन्ति सर्वे नमस्सन्ति च सिद्ध संग सर्वतो पाणिपादं तत् सर्वतो कीशिरमुखं सर्वतो श्रुतिमन् लोके सर्वम् आवृत्य दिश कोविंग पुराणम अनुशासितारम मनोरण्यंग समर स्मरज्य सर्वस्वधातारम अचिंत रूपम आदित्यवर्णम तमस परस्ताद। इसके बाद व्हाट इज रिटन, क्या लिखा, ये विशेष जरूरी है। ये जो अभी श्लोक मैं बोलने जा रहा हूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऊर्ध मूलम अधः श्वाखम असत्यम प्राहुरव्ययम छन्नांसि यस्वर्णानि यस्तम वेद सवेदविद। क्या बताया, ऊर्ध मूलम अधः शाख्यम असत्यम प्राहुरव्ययम छन्नांसि यस्वर्णानि यस्तम वेद सवेदविद। ऐसा करके व्याख्या की। भगवान जगत रूप से परिणति लाभ की, ऐसा विचार परिणामवाद बोलता है मायावादी। लेकिन हमारा गौड़ीय दर्शन में परिणामवाद का कोई आस्था नहीं है, क्योंकि वो लोग प्रमाण नहीं कर सकता।
ये लोग प्रमाण नहीं कर सकता कि भगवान परिणाम लाभ का जगत रूपे परिणत है, तो भगवान से ही आया है, ऐसा कोई तो गलती नहीं है। लेकिन विशेष बात ये है भगवान का जो स्वरूप है, ये ब्रह्मा जी को दर्शन करवाए, ब्रह्मा जी को दर्शन करवाए भगवान, ये तो है ही है। भगवान का जो शक्ति है, शक्ति का परिणाम, मायावादी का परिणाम बात ये ठीक नहीं। भगवान का जो माया है, माया विकार प्राप्त होकर इस जगत का निर्माण हो गया, लेकिन भगवान का शरीर, भगवान का शरीर भगवान के साथ अभिन्न है। भगवान परिणामवादी का विचार का अनुसार भगवान मायावादी परिणामवादी का विचार के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान जगत रूप में परिणाम प्राप्त किया, ये ठीक नहीं है, ये गलत भावना है। बहुत सारे विचार जगत में है, शक्ति शून्य, भगवान का शक्ति मानता नहीं, निरर्थक, बहुत सारे। ब्रह्म शुद्ध शक्ति युक्त नित्य शुद्ध अद्वैत तत्व, वेद से ही ये सकल बाद वेदांत सूत्र में आश्रय करके उदित हुआ था। वेद विरुद्ध सांख्य पतंजल न्याय वैशेषिक एवं वेदांश सम्मतो केवल कर्मकांडो प्रिय पूर्व मीमांसादि बादेर कथा दूरे रहे। बाह्यतः वेदांतों की अवलंबन करके पूर्वोक्तो बात सकल उत्पन्न हुई है। भगवान का शक्ति का परिणाम बात, जैसे गीता में भगवान अर्जुन को कह दिया कि ममैव अंश जीव लोके जीव हो तो सनातन, ममैव हमारा ही अंश है जीव, ममैव अंश जीव लोके जीव हो तो सनातन। अब कई अगर उल्टा समझे, भगवान तो खुद बोला है तो इसमें क्या हर जाए, ठीक ही है, नहीं ठीक नहीं है। ममैव अंश जीव लोके जीव हो तो सनातन, इसका विचार थोड़ा होनी चाहिए। जैसे आमनाय प्राह तत्यम हरिमी हो सर्वशक्ति रसादीन तत्भिन्नांश जीवान प्रकृति कवलितान तत्भिन्नतांश भावाद भेदा भेद सकलमोपि हरे हे स्वादनम शुद्ध, ये सारे हमने बताया। भगवान का तीन शक्ति का विशेष परिचय है, बाकी छुपा हुआ भी रहती। कृष्ण शक्ति परा प्रक्ता क्षेत्रज्ञाख्या अथ अपरा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्वति। भगवान का स्वरूप शक्ति भगवान का अंदर में रहता है, जीव शक्ति भगवान का अंदर में रहते हुए भी भगवान का अंदर में नहीं है, भगवान का अंदर में है लेकिन फिर भी नहीं है, भगवान का बाहर है, भगवान का एग्जैक्ट अंदर में नहीं है। अचिंत्य वेद तत्व के सहारा लेकर अगर विचार करने जाए तो अनुभव में आ जाएगा, तो अनुभव में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ऐसा है भगवान का स्वरूप शक्ति अंदर में है, तत्वशा शक्ति कहाँ है, तत्वशक्ति कोई कोई बोलता भगवान का अंदर में, नहीं भगवान का अंदर में नहीं रह सकता। तत्वशक्ति भगवान से साइमल्टेनियसली डिफरेंट एंड नॉन डिफरेंट, भेद अभेद दोनों ही।
और माया शक्ति तो आप जानते ही हो, हम लोग सब माया में गिरे हुए हैं, सब माया शक्ति, हर रोज जानते कितना ताकत है माया देवी का, इसका बारे में बोलने का जरूरी है नहीं। लेकिन ये ततोस्थ शक्ति का बारे में जो भगवान गीता में तो ततोस्थ शक्ति बताया नहीं, ततोस्थ शक्ति का बारे में गीता में तो बताया नहीं। गीता में बताया ममैव अंश जीवल के जीवभूत सनातन, हमारा ही अंश जीव, तो हमारा अंश हो, हमारा अंश, हमारा जो अंश है ये विचार करने बैठे तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को टुकड़ा 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 करके अनगिनत जीव बना है, ऐसा नहीं। कोई अगर उल्टा समझे कि भगवान ने खुद ही बताया ममैव अंश जीवो लोके जीवो भूतो सनातन, तो भगवान चिद वस्तु है, इसको टुकड़ा 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 करके जीवो उत्पन्न हुई, ये गलत भावना है, ऐसा नहीं। तो फिर क्या है विचार, ये है भगवान का शक्ति, भगवान का शक्ति भगवान से अभिन्न है, भगवान का शक्ति भगवान से अभिन्न है जरूर, शक्ति शक्ति मत्तुर अभेद, शक्ति शक्ति मत्तुर अभेद, अतः शक्तिमान और शक्ति अलग नहीं है। इसी हिसाब से भगवान ने बताए ममैव अंश जीवलोके जीवभूतो सनातन, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को टुकड़ा टुकड़ा करके जीव बना है, ऐसा नहीं। ये ततोस्थ शक्ति भेदाभेद प्रकाश बता दिया, मायावादी का मत मापे विचार करने से ब्रह्म संगीता का जो विचार जो है गहरा विचार ये सब खो जाएगा। मायावाद को आश्रय करने से ब्रह्म संगीता का जो गहरा विचार है ये खो जाएगा। अहम ही विश्वस्य चराचरस्य बीजं प्रधानं प्रकृति पुमांश मया अहितं तेज इदं विवर्षि विधे विदेही त्वम अथो जगंती। कितना सुंदर बताया, हे विधि कान खोलकर सुन लो विथ फुल अटेंशन, हे विधि सुन लो, हम ही ये चराचर चराचर विश्व का उत्पत्ति का बीज व मूल तत्व, और धर्म मूलम ही विष्णु। और अभी थोड़ा देर पहले हमने गीता से बताया ऊर्ध मूलम अध शाकम, ये इसका बारे, तो बीज गायब है, बीज जब वृक्ष रूप में पैदा हो जाता है बीज दिखता नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप चिल्लाना शुरू कर दे, बीज नहीं है, बीज कहाँ है, बीज नहीं है तो बीज हम मानेंगे नहीं, हम मानेंगे नहीं तो नहीं मानेंगे। ये जो पेड़ है हाउ इट इज जर्मिनेटेड, जर्म सेल तो इसका अंदर में है, बच्चा का उत्पत्ति, पेड़ का उत्पत्ति बीज से, बच्चा का उत्पत्ति अलग से, बहुत सारे प्राणी का ऐसा। अहम ही विश्वस्य चराचरस्य बीजम प्रधानम प्रकृति ही पुमांश्च मया आहितम तेज इदम विवर्षि विधे विदेही त्वम अथो जगंती। हे विधि सुन लो, मैं ही हूँ ये चराचर विश्व सृष्टि का बीज व मूल तत्व, मैं ही प्रधान हूँ, आई मीन द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस क्रिएशन, मैं ही प्रकृति हूँ, भगवान ने खुद ही बताया भूमि राप अनलो वायु खंग मन बुद्धि रेव च अहंकारम इत्यंग में प्रकृति रस्वता, ये प्रकृति है, मैं ही पुरुष हूं और कोई नहीं। यहां पुरुष शब्द लेडीज एंड जेंट्स ऐसा नहीं, यहां पुरुष शब्द पौरुष
जिनके पावर से सब कुछ होता है, ये अमी पुरुष आदि पुरुष, यही जे ब्रह्म तेज ब्रह्मा, हे विधे आपका अंदर में जो ब्रह्म तेज विराजमान है, ये भी मैंने अर्पण किया। कहां से मिला बोलो? ये तो मैंने ही अर्पण किया, किसी ने दिया नहीं। कभी कभी कोई विचार करने वाले ऐसा निर्णय लेता है, निर्विशेष ब्रह्म वस्तु विवर्त लाभ करके सविशेष प्रीति युक्त हुआ, एक सरासर गलत है। इसका बारे में चर्चा करने का भी पॉसिबिलिटी कम है, फिर भी थोड़ा टच करके जाए। जैसे मायावादी का विचार है, सर्प में रज्जु बुद्धि, रजमंद सर्प में रज्जु बुद्धि, अर्थात रज्जु में सर्प बुद्धि, क्षमा करें, रज्जु में सर्प बुद्धि, अर्थात एक रस्सी लटक रहा है, अंधेरा में लगता है कि साफ है, क्षमा करें, अर्थात रस्सी में सांप का गलत फहमी आ जाता है। मायावादी लोग ये विचार उठाता है, जगत है ही नहीं, ये लोगों का विचार है जगत इज वन काइंड ऑफ ड्रीम, जिसका अंदर में सच्चाई कुछ नहीं। लेकिन श्रीमद् महाप्रभु जी ने बताए जगत ड्रीम नहीं है, लेकिन जगत अनित्य है। ये विचार महाप्रभु जी ने बताया, जगत है ही नहीं, ये ड्रीम है, इट इज वन काइंड ऑफ ड्रीम, एक गलत भावना है। महाप्रभु जी ने बताया देखो जगत सपने का मापिक बेकार नहीं है, लेकिन ये जो जगत है ये भगवान से डायरेक्ट आया नहीं, भगवान से डायरेक्ट होने का परिणाम बात स्वीकार नहीं करेंगे। अभी ये जो रस्सी का उदाहरण देके बताया, जो जैसे एक रस्सी लटक रहा है रात को और दूर से लगता है कि साफ है, मायावादी का विचार टोटली फॉल्स है, जगत है ही नहीं, इट्स वन काइंड ऑफ ड्रीम। महाप्रभु नहीं, जगत है, जगत क्यों बोल लू, लेकिन जगत अनित्य है, ये बात को समझे। अगर आपका मायावादी का ये जो विचार है जे रज्जु में सर्प भ्रम, ऐसा करके वो लोग उल्टा व्याख्या करता है, जैसे रस्सी लटक रहा है और सांप, ठीक है, जीव को सहपाद हमारा गुरुवर्ग बोलता है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो पक्का है कि सांप किसी न किसी जगह है। सांप का अगर डायरेक्ट एक्सपीरियंस, सांप का अगर डायरेक्ट एक्सपीरियंस किसी का नहीं है तो सांप जो काटता है जलन होता है कैसे समझ, अर्थात सांप यहाँ रस्सी का अंदर में सर्प भ्रम हो गया, ये मान लिया, ठीक है, रस्सी लटक रहा है हमने सांप, ठीक है चलो, लेकिन सांप बोल के जो चीज है किसी न किसी जगह तो है ही है। अगर सांप बोल के कोई चीज है ही नहीं तो डर किस बात की है, किस बात की डर है, तो मतलब ये लोगों का विचार गलत है, ठीक नहीं। और इस बारे में पहले भी हमने बताया, जगत में जो कुछ है न, जगत में जो कुछ नहीं है, अनंत ब्रह्मांड जहाँ जो कुछ भी है, सारे अद्वैत ज्ञान तत्व का अंदर में है, सारे अनंत ब्रह्मांड में जहाँ जो कुछ भी है,
सारे अचिंत भेदभेद तत्व का अनुसार अद्वैय ज्ञान तत्व वदन्ति तत्त्वविदं सत्त्वं यद् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। लेकिन गौरीय विचार के अनुसार ये अचिंतो भेदाभेद तत्व का अंदर में भगवान एक एक होते हुए भी बहु है, भगवान बहु होते हुए भी एक है, अर्थात डाइवर्सिटी इन यूनिटी एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यही विचार है। लेकिन मायावादी विचार करे, अरे हम लोग अद्वैय ज्ञान तत्व मानते हैं, हाँ ठीक है मानो जो आपका इच्छा। लेकिन मायावादी का विचार है अद्वैय ज्ञान तत्व मतलब दूसरा कोई तत्व है ही नहीं, ठीक है। लेकिन मायावादी का ये विचार गलत है, क्योंकि यद्यपि भगवत तत्व अद्वैय ज्ञान तत्व ही है, ये कन्फर्म है श्रीमद् भागवत जी महापुराण में, फिर भी भगवान का अंदर में इन्फिनिटी वैचित्र है। भगवान का ये अचिंत्य भेदभेद तत्व के अनुसार भगवान अद्वैय ज्ञान तत्व हो सकता है, लेकिन अद्वैय ज्ञान तत्व होने का मतलब ये नहीं कि भगवान में कोई विशेष नहीं रहेगा, रहेगा ही रहेगा। अर्थात यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन यूनिटी। लेकिन आदमी समझ, बाहर का आदमी समझता नहीं। तो हमने बताया जो कुछ भी चीज है भागवत जी महापुराण से, यत्रो येनो यतो यशो यस्मै यज्जत यथा यदा सद इदम, सारे भगवान है। बात तो पक्का है, कोई कोई आदमी सोचता है ईश्वर ही विशेष विशेषो और चिद अचित विशेषण रूप सकली एक तत्व, ये सब विचार है। रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद मैंने बहुत पहले विचार भी किया अंग्रेजी में, बहुत विशिष्टाद्वैतवाद अर्थात भगवान का स्वरूप नहीं है ऐसा बोला नहीं। ब्रह्म जब कोई उपाधि लेके आविर्भाव होता है तो इसी शरीर को अर्थात चिन्मय जीव शरीर के अंदर में है, आज जो कुछ भी शरीर पकड़ के आया जो कुछ भी है ये भी एक विशेष है ब्रह्म, ऐसा है ना, सब तो सारे तो ब्रह्म से ही आया हुआ है, ये तो सारे ब्रह्म से ही आया हुआ, कहाँ से आया, ब्रह्म से ही तो आया। और ये जो विचार है इसमें बताया, इसमें सिद्धांत विचार है रामानुजाचार्य जो बोलते हैं ये जो सारे जीव का शरीर पेड़ पौधा का ये विशेष है ब्रह्मो, इस अलग अलग सा शरीर पकड़ लिया डायरेक्टली नहीं है माया के द्वारा, तो ये विशिष्ट ये जो शरीर जीवों का सब कुछ ये जगह एक विशेष दान किया सारे ब्रह्म वस्तु है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म जीवो जीवो ब्रह्मो न परः, ये सब सही बात है लेकिन व्याख्या में गलती है। जो भी है यहाँ काल हमने थोड़ा बताने का कोशिश की, ईश्वर ही विशेषो चिदचित विशेषण रूप सकल एक तत्व, एक ही अद्वैय ज्ञान तत्व। अचिंत शक्ति का आधार पर कभी अद्वैत रूप में रहता है, कभी द्वैत सत्व प्रतीति होता है, और कोई वह ऐसा सिद्धांत भी बोलता है शक्ति शून्य अद्वैतवादी निरर्थक, ये सारे चर्चा झगड़ा आपस में चलता है। परम सत्य वस्तु ऐसा चीज है जिसको लेकर बहुत सारे झगड़ा
So, Brahma Shuddha Shakti Yukto, Nitya Shuddha Advaita Tattva, Ved se tamam bad Vedanta Sutta ke aasray karke udit hua hai. Ye samam etamam chhodkar sarvatra siddho satya nahi rehne se kiyat parivan sutta to hai. Ved viruddho, sankho, patanjal, nay, vaisheshi, ye sare evam वेदांश सम्मत केवल कर्मकांड प्रिय पूर्व मीमांसा आदिवादी बात की बातें दूर में छोड़ दो. बाह्यतः वेदांत को ही अवलंबन करके तमाम सिद्धांत विचार पैदा हो. तो ये जो भगवान ने बताया अहम ही विश्वस्य चराचरस्य बीजम प्रधानम प्रकृति ही पुमांश मया आहितम तेजो इदम विवर्षी विधे विदेही तम अथो जगन्ति. अभी श्रीला सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर का अनुगत्व में अभी हम लोग श्रीला सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर के ही अनुगत्व में ब्रह्म संगीता का आधार पर हम लोग थोड़ा विचार बनाएंगे. ये प्रकृति परिणाम बात ये ठीक है, भगवाद ब्रह्म वस्तु परिणाम बात ठीक नहीं. और ब्रह्म संगीता का आधार पर भक्तिविनोद ठाकुर का अनुगत्य में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे. ब्रह्म संगीता में माया तत्व जो ये जो जगत जिसका बारे में ब्रह्म संगीता में हमने पहले ही चर्चा करके देखा था. सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा चैव जस्व भुवनानि विवर्त दुर्गा इच्छानुरूपम अपि जशो च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि अतः सर्वशक्ति चित शक्ति छाया स्वरूपा प्रापंचिक जगत को सृष्टि स्थिति प्रलय साधनी माया शक्ति ही भुवन पूजिता दुर्गा. ये दुर्गा जी जिनके इशारा पे चलती है, ये दुर्गा जी जिनके इशारा पे चलती है, यही आदि पुरुष गोविंद को मैं भजन करता हूं. जिस जगत में ब्रह्मा अवस्थित होके गोलोकनाथ का स्तप किया है, इस जगत में ब्रह्मा अवस्थित होकर गोलोकनाथ का स्तप किया है, जो ब्रह्म संगीता बोल के हम लोग मान्यता दिया है, क्योंकि मान्यता प्राप्त है, महाप्रभु जी ने पहले ही बताया. यही जगत 14 भुवनात्मक देवी धाम और ये अधिष्ठात्री देवी दुर्गा है, यार ये दश कर्म रूप दश भुजा, भुजा मतलब कर्म का प्रतीक, भुजा मतलब कर्म का प्रतीक. तो काली मैया का देखना कपड़ा नहीं है, लेकिन सबका हाथ टुकड़ा टुकड़ा करके एक सूत्री देकर कपड़ा का मानी, मतलब देवी कर्म का प्रतीक. अबर मुंडो माला मतलब मुंडो माला पहनती है. ये मुंडो माला पहनने का साथ साथ ये विचार होना चाहिए, मुंडो में बुद्धि रहता है, विचार रहता है, ज्ञान रहता है, तो ये विचार है. ज्ञानदायिनी तो ये देवी दुर्गा जो है दशकर्म रूप दशभुजा, आपने सुना है दशकर्मा भंडार पूजा का सामान बिक्री करता है कोई कोई आदमी है ना. ये जो है इसका नाम है, हमारा बांग्ला में आपका उधर क्या नाम है जानते नहीं,
दशकर्म भंडार, दशकर्म भंडारी। ये देवी दशकर्म रूप दशभुजा युक्ता वीर प्रताप में अवस्थित है। मैंने बांग्ला कथा में भी दो दिन पहले चर्चा की, सिंह वाहिनी पाप दमनी रूपा महिषासुर मर्दिनी शुभा ओ सिद्धि रूप संतानोद्वय विशिष्ट बोल के कार्तिक और गणेश का जननी है। जड़ सज्जो जड़ विद्या संगिनी रूपा लक्ष्मी एवं सरस्वती मध्यवर्तिनी पाप दमन में बहुविधो वेदोक्तो धर्मरूप विंशति अस्त्रधारिणी काल शोभा विशिष्टा बोल के सर्प शोभिनी, सर्प है ये सारे आकार विशिष्टा जो दुर्गा है, यही दुर्गा दुर्ग विशिष्टा। दुर्ग मतलब फोर्ड कारागार है। ततस्व शक्ति प्रसूतो जीव सब कृष्ण बहिर्मुख होने से, कब बहिर्मुख है ये हमको पता नहीं, कृष्ण बोली से युग अनादि बहिर्मुख, कृष्ण बहिर्मुख होने से जो प्रापंचिक कारा का अंदर में आबद्ध कर देता है इसका नाम है दुर्गा। दुर्गा का कर्म चक्रो जो है तथा दंडो, कर्म चक्र जो है ये तो एक किस्म का पानिशमेंट है। बहिर्मुख जीवों का प्रति ए रूप शोधन प्रणाली विशिष्टो कार्य ही गोविंद का इच्छा का अनुसार कर्मो, ये कर्मो दुर्गा देवी संपादित कर रहे हैं जो भी है ये है। और जीवों का अंदर में जो लिंगो देहो है जिसका बारे में चैतन्य चैतन्य में बताया गया, पिशाची पाइले यथा मतिच्छन्न है मायाबद्ध जीवेर है सेवा होता है। पिशाची पकड़ने से जैसा हालत होता है ऐसा, तो हमारा ये जो अंदर में लिंग शरीर है स्थूल शरीर छोड़ दो, लिंग शरीर दूर होने से विरजा में स्नान करके जीव हरिधाम में जा सकता है। आई बात समझ में, क्योंकि ये जो लिंग शरीर है सूक्ष्म शरीर है यही मेरा जन्म जन्म का ये जो चक्कर है ये चलाने वाला है, जन्म जन्म का चक्का चक्का चलाने वाला है। सो लिंगो देहो शरीर होने से विरजा में स्नान करके जीव हरिनाम में जा सकता है। ये समान ये तमाम कार्य जो है जिस गोविंद का इच्छा से वो चल रही है ये गोविंद को ही मूल तत्व माना जाए। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण यही है। जड़ जगत में जो दुर्गा पूजा होता है यही दुर्गा, किंतु भगवत धाम में दुर्गा देवी नहीं है, इनके धाम में आवरण देवता गणपति दुर्गा है, ये आवरण देवता। आवरण देवता मतलब भगवान को ढक्कन देके हिरणमयीन पत्रेन सत्वस्य अपहितम मुखम छुपा के रखना चाहता है, इसलिए आवरण देवता का अंदर में है। छाया दुर्गा हमारा इस जगत में हमको शास्ति देने के लिए जेल खाना फोड़ दुर्गा दुर्गो विनिर्माण की, और यही जोग माया अंतरंग शक्ति अगर कृपा करना चाहे मेरे को तो ये महामाया के रूप में मेरा पास नहीं आएगी, जोग माया का रूप एक ही है जैसे पौड़ोमा पौड़ा मा
बाहर का आदमी जाए तो देवी इनके सामने प्रकट कर देता है अपना स्वरूप। फिर ये जो सूक्ष्म लिंग जून और मुख तो जब तक ना हो जाए, जीवों का अविद्या दुर्वासना मय लिंगो शरीर कभी समाप्त नहीं होता है। याद है ना, लिंगो देहो भंगो हय अनासे, ये कीर्तन में भी है। लिंगो देहो दूर होने से होता है। तो जो भी है, ये एक ही दुर्गा एक ही देवी है। असुरों का सामने दुर्गा अर्थात माया देवी का रूप में प्रकटित होती है और एक ही देवी भगवान का अंतरंग शक्ति योग माया के रूप में प्रकटित होती है। भगवत धाम का आवरण देवता है। बहुत जल्दी भगवान को आप पहचान लोगे, जल्दी जल्दी बिना कोई परिश्रम, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने बार बार ये बात को बताया, साधो वस्तु साधन बिना केहो नहीं पाए। साधो वस्तु साधन बिना केहो नहीं पाए, कृपा करी कहो राय पावार उपाय, ये मैंने पहले से बताया। भगवत भगवान का दासी का रूप में काम करती है, चेटिका दासी का माफी काम करती है। ये है आपका ब्रह्म संगीता का आधार पर श्रील सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर अनुगत में दुर्गा तत्व अर्थात देवी तत्व, और ब्रह्म संगीता का आधार पर शंभु तत्व को भी थोड़ा चर्चा किया जाएगा, उसका बाद विष्णु तत्व, इसका बाद ब्रह्म संगीता का चर्चा आज ही समाप्त घोषित किया जाए। ब्रह्म संगीता में ही लिखा हुआ, हमने बहुत दिन पहले इसका चर्चा भी किया, नियति ही शा रमा देवी तत्प्रिया तदवशम तदा जल्लिंगन भगवान शंभूर जतीर रूप सनातन जा योनि सा पराशक्ति काम बीजम महद हरे लिंगो जन्यात्मक जाता इमा महेश्वरी प्रजा। शंभु का तत्व, चित्शक्ति रूपा रमा शक्ति, नियति रूपा भगवत प्रिया, सृष्टि के समय पर सृष्टि काल में प्रपंच रचनन मुखे कृष्णांश का कृष्णों का अंश का जो सांसद ज्योति उदित होता है, जिसका बारे में भगवान ने गीता में बताया, मवै वंश जीवो लोक जीवो हो तो सनातन, और इसका बाद और भी श्लोक है, मध्यक्षे न प्रकृति स्वयते चराचरम, मेरा अध्यक्षता में प्रकृति श्रूयते चराचरम, सो भगवान जब सृष्टि का समय नजर उठाकर प्रकृति का ओर देखता है तो इस दर्शन के साथ साथ अपना पूर्व कल्प का जितना सारे जीव है इसको प्रकृति का गर्भ में डाल देता, प्रकृति का गर्भ में डाल देता, और ये सब जीव पूर्व कल्प का संस्कार के अनुसार कर्मफल के अनुसार अलग अलग सा शरीर प्रकार के विराजमान हो जाता है जगत, ऐसा ही नियम है।
चित शक्ति रूपा रमा शक्ति नियति रूपा भगवत प्रिया सृष्टि काल में प्रपंच रचनोन्मुख कृष्णांश का जो सांश ज्योति उदित होता है इसी का नाम है सनातन ज्योति आभास। इसी लिंगो नियति का वशीभूत प्रपंच उत्पादकांश नियति से अर्थात फेट पॉसिबिलिटी व नियति फेट नियति से जो प्रसविनी शक्ति का उदय होता है यही अपरा शक्ति जोनि रूपा माया का स्वरूप। लिंगो जोनि ये सब टेक्निकल टर्म है, इसमें गलती ना समझे। भक्तिमत ठाकुर ने विनती किया, ये टेक्निकल टर्म है, लोग अगर उल्टा सोचे तो ये बड़ा दुख की बात है। ठीक इसी प्रकार ये दोनों का संयोग, ठीक इसी प्रकार विचार चलता है। जो भी है तदुभय संयोगी संयोग के द्वारा अर्थात दृष्टि के द्वारा भगवान जो तमाम जीव राशि को लाइट रेस कमाफिक आंखों से देखा, सारे महेश्वरी देवी का गर्भ में दे दी। सृष्टि काल में प्रपंच रचनोन्मुख होने से कृष्णांश का जो सांश ज्योति उदित होता है, जिसको शंभुलिंगो बोल, जिसको ज्योतिर्लिंगो द्वादश ज्योतिर्लिंगो माना जाता है, यही सनातन ज्योति का आवास है। यही लिंगो नियति का वशीभूत प्रपंच उत्पादक अंश, नियति से जो प्रसविनी शक्ति का उदय, इसी का नाम अपरा शक्ति जो जोनि रूपा माया का स्वरूप जो कामरूप कामाख्या में है। इन दोनों का आपस में हिलमिल करते करते क्या हो, तदुपाय संयोग संयोगी हरि का महत्त्व रूप प्रतिफलित रिफ्लेक्टेड काम बीज। इसी जगत में तमाम जीव जो है, इसी जगत में तमाम जो जीव है, इस तमाम महेश्वरी पूजा हमने पहले बताया, महेश्वरी पूजा सृष्टि काम युक्त संकर्षण प्रपंच उत्पादनोन्मुख कृष्णांश कारण बारी में भगवान आद्य अवतार पुरुष स्वयं कर करते हैं और माया का प्रति इच्छा करे और उसके बाद एजिटेशन हो जाता है प्रकृति का अंदर। कोई अगर वह बोले अरे इसका आपका जो इंस्ट्रूमेंट आपका ये जो सृष्टि काम युक्तो संकर्षणी प्रपंचोन्मुख कृष्णांशो कारण बारी में सहन रहती रहता है, इसी सृष्टि का कारण इच्छा नहीं, सृष्टि का निमित्त कारण उपादान कारण अद्वैत को सह देता है, हमने बहुत बार बताया। महाविष्णु जगत कर्ता माया जो सृजति अदह तस्वतार एव अयम अद्वैत आचार्य ईश्वर। ये जो ज्योति का रूप में भगवान का दृष्टि का साथ साथ पहुंचता है, जैसे सोमनाथ बद्रीनाथ अंकलेश्वर रामेश्वर बहुत सारे हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग, ये ज्योति का कॉम्पैक्ट फॉर्म, इसका नाम शंभुलिंग। जब ही आगे चलकर हम लोगों में कभी कभी कोई शिवलिंगों का पूजा करे, कभी कभी कोई कमरा वसरा नहीं है ऐसा विचार कर दिखाए, सो महत्त्व रूप काम बीज का आभास आके
सृष्टि कार्य में प्रवृत्त हो प्रवृत्त होता है और महाविष्णु श्रेष्ठ काम का प्रथम उदय में हिरणमय तत्व बोला जाता है। यही सृष्टि उन्मुख यही सृष्टि उन्मुख मनोरूपी तत्व यही गुरु विचार। इसमें गुरु विचार गोपनीय विचार ये है निमित्तो और उपादान। इसका गहरा विचार ये है कि निमित्तो और उपादान लेकर पुरुष छाई सृष्टि करें। निमित्तो माया है, निमित्त कारण उपादान कारण अद्वैत गोसाई हमने बताया योनि अर्थात उपासना ही शंभु व लिंग का रूप में प्रकट भये। महाविष्णु पुरुष अर्थात इच्छामय कर्ता द्रव्यमय प्रधान रूप तत्व उपादान एवं आधारमय प्रकृति तत्व माया। तो गोलोक में काम बीच गोलोक में क्या हुआ, गोलोक में शक्ति का काम बीज है। ये जो काम बीज और छाया शक्ति गतो काल्यादि शक्ति काम बीज ये जगत का और प्रथमोक्त काम बीज मायार आदर्श होते हुए भी अत्यंत सुदूरवर्ती बहुत सारे प्रमाण है। और भगवान का चतुष्पाद विभूति ये ऐश्वर्य है, इनके अंदर में अशोक अमृत अमृत आधार तुम्हारो चरण द्वय ये त्रिपाद विभूति वैकुंठ गोलोक का ऐश्वर्य है दर्शन की। माइन जगत में देव मानवादी सारे जो है समस्त लोक सह माई ऐश्वर्य विशेष जोड़ियो विज्ञान के द्वारा जितना कुछ संवाद हमारा पास उपलब्ध है ये सारे ऐसा संयोग स्वभाव संपन्न विख्यलता यहाँ तक कि समस्त जड़ वस्तु पुरुष प्रवृत्ति संयोग स्वरूप। विशेष तात्पर्य ये है जो यद्यपि लिंगो जन्यात्मा शब्दों बाहरी विचार में बहुत खराब लगता है लेकिन भक्तिमय ठाकुर जी ने बताया इसका नाम है टेक्निकल टर्म, ये नहीं बताने से समझ में नहीं आए। और मैंने पहले ही बताया शक्तिमान पुरुष सो एयम लिंग रूपी महेश्वर तस्मिन् नाभिर् महाभिरभूर् लिंगे महा विष्णुर् जगतपति। बहुत सारे विचार हैं, समष्टि गुरु तत्व व्यष्टि गुरु तत्व समष्टि अंतर्यामी ये भी ये सब चर्चा जानना जरूरी है क्योंकि प्रकृति में उलझे भी हैं हम लोग। विष्णु तत्व का बारे में बताया बहुत कुछ है तो फिर भी संक्षेप में बोलना है यही महाविष्णु स्वयं वाम अंग से विष्णु को दक्षिण अंग से प्रजापति के और कुर्च देश अर्थात भ्रूद्वय आईब्रो मिडिल पोर्शन से ज्योतिर्लिंगमय शंभु को सृष्टि। इसका बारे में ब्रह्म संहिता में श्लोक भी है, यहाँ विशेष जरूरी नहीं फिर भी जरूरी है। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते न ही ततः पितुकस्ति हेतु
ज संबतम अपि तथा स्वयंपति कर्जात गोविंदमादि पुरुषं तमाम भजा। शंभु तत्व कृष्ण से एक नहीं है। खीरम यथा दुधि विकार विशेष योगा संजायते न ही तथा पितकस्ति हेतु या संबदा में भी तथा समुपति कार्यात गोविंदनाथ पुरुषोत्त तमाम भजन। दुग्ध जैसे दूध को आमला योग में किसी भी हालत से टेक्निकल टर्म है उसको कार्ड अर्थात दही में बदल दो, बदल सकते हो ना, दही में बदल सकते हो, किंतु कारण रूप दुग्ध से पृथक तत्व नहीं है। कारण रूप जो दुग्ध तत्व है ये कभी बेकार नहीं है, पृथक तत्व नहीं है, पृथक तत्व नहीं है। दूध जैसे जैरो विशेष विकार विशेष योगे दूधी होता है, तथापि करण रूप दुग्ध होते पृथक तत्व कभी होता ही नहीं। ऐसा मापिक जो विशेषत्व समुदा प्राप्त होता है आदि पुरुष गोविंद को मैं भजन करता हूं। शंभु अचिंत वेद व्यक्तित्व के द्वारा कृष्ण से पृथक दूसरा किसी ईश्वर नहीं है, अलग नहीं है, एक ही है। शंभु कृष्ण से पृथक एक तत्व अन्य एक ईश्वर तत्व न। इसी भगवान शंभु तत्व कृष्ण से पृथक तत्व ईश्वर तत्व ईश्वर डायरेक्ट ईश्वर बोला नहीं है। जे लोगों का जैसा भेद बुद्धि ये लोग अंदर में जो लोग भगवान के चरण में अपराधी है शंभु का ईश्वरता गोविंदों का ईश्वरता का जो बल है प्रभाव है गोविंदों का ईश्वरता का अधीन है ये पद भी सौ ये लोग वस्तुतः भेद अभेद तत्व वस्तुतः अभेद तत्व अभेद तत्व का लक्षण ये है। दुग्ध जैसे विकार विशेष युगा द्वही से दुग्ध बन गया, फिर द्वारा दधि से दुग्ध को लाना संभव नहीं। ऐसा मापिक तद्रूप विकार विशेष युग में ईश्वर पृथक स्वरूप होने से भी परम स्वतंत्र बिल्कुल नहीं। से स्वरूप का स्वतंत्रता नहीं है, माया का जो से स्वरूप का स्वतंत्रता नहीं है, माया का जो तमो गुण ततोष्टा गुण ये सब जो है एवं चित्त शक्ति का स्वल्प लादिनी मिश्रित संबित शक्ति मिश्रित या विकार प्राप्त करा देता है, इसका पहले नहीं। ईश्वर ज्योतिर्मय शुंगलिंग रूप में सदाशिव अर्थात सदाशिव एवं तहा होते रुद्र उत्पत्ति है ब्रह्मा असुर का संहार और समस्त का उद्धार। संस्कार कार्य में समस्त क्रिया संपदनार्थो विभिन्नांश भाव संपन्न विभिन्नांश रूप शंभु स्वरूप में गोविंद का गुण अवतार माना जाता है। शंभु ही काल पुरुषत्व वर्णित हो भागवत जी महापुराण में आए लिखा हुआ है निम्न गानम यथा गंगा देमानम अच्युतो यथा वैष्णवानम यथा शंभु पुराणम तो इदम भागवत
सृष्टि कार्य में द्रव्य गुहमय उपादान, सृष्टि कार्य में कोनो कभी कभी असुर का नाश भी होता है, संस्कार कार्य में समस्त क्रिया संपदनार्थो विभिन्न अंश भावापन्नो विभिन्न अंश रूप शंभु स्वरूपे गोविंद गोविंद गुणावतार नहीं है। शंभु ही काल पुरुषत्व, शंभु का ही भगवान, शंभु का ही काल पुरुषत्व निर्णित किया गया। प्रमाण का आधार पर अगर सुनना चाहते हैं, प्रमाण समूह टीका का उदित है, वैष्णवानम यथा शंभु इत्यादि भगवत वचन का तात्पर्य ये है कि यही शंभु, वही शंभु शंभु भगवान शंभु शियो काल शक्ति के द्वारा गोविंद का उच्चावचानुरूप दुर्गा देवी के साथ युक्त होकर कार्य कर रहे थे, कार्य करते रहते हैं। तंत्रादि बहुविध शास्त्र में जीवों का अधिकार वेद का अनुसार भक्ति वेद बहुत सारे सोपान धर्म शिक्षा दिया गया, और शंभु में जीवों का पंचाशत गुण प्रभु रूप में एवं जीव अप्राप्तो गुण नहीं क्या लिखा है, गोविंदो इच्छा के अनुसार मायावाद ओ कल्पित आगम प्रचार पूर्वक शुद्ध भक्ति का संरक्षण और पालन, असुर प्रकृति का आदमी को भगा देते हैं। शंभु में जीवों का 50 गुण प्रभुत्व रूप प्रचुर परिमाण, और जीव का अप्राप्त आर जो 5 गुणावली है महागुण आंशिक रूप में रह सकता है। सौ शंभु के जीव बोलना उचित नहीं, ये ईश्वर तथापि विभिन्न अंशगत हो, और ब्रह्म संहिता आधार पर विष्णु तत्व थोड़ा चर्चा करके आज का चर्चा विश्राम देंगे। ये ब्रह्म संहिता का एक सर्वे है, इसका अंदर में सब कुछ है। ब्रह्म संहिता में विश्व तत्व के बारे में खुल्लम खुल्ला बताया गया, दीपार्चिरे वही दशांतरम उपपेतो दीपायति विपित्त हेतु समान धर्म समान धर्म जस्ताद्रिक एवही च विष्णु तया विभाति गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि दीपार्चिरेवही दशांतरम उपपेतो दीपायते विपित्त हेतु समान धर्म यस्ताद्रिक एवही विष्णु तया विभाति गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। जैसे उदाहरण दिया एक मूल प्रदीप से, जैसे एक मूल प्रदीप से ज्योति से अलग सा देखने में एक जैसा, सारे प्रदीप में ये आदि प्रदीप लेकर जला सकता है, चारों ओर रोशनी रोशनी हो जाए लाइट। तो इसमें एक मूल प्रदीप तो रहता ही है, और ये मूल प्रदीप जो है मतलब कृष्ण, जिनके कृपा लेकर ये लोग भी सेवा में उतर जाते हैं। एक मूल प्रदीप ज्योति, बहुत सारे विचार इसका अंदर में है, बहुत सारे विचार, हम लोग उतना चर्चा करने का समय हम लोग का नहीं, सौभाग्य नहीं। सो यहां जो हरिधाम का अधिष्ठाता हरि नारायण विष्णु इत्यादि नाम प्राप्त सांश तत्व का वर्णन किया गया, कृष्ण का विलास मूर्ति पर ब्रह्म पति नारायण तदीय अंशो अद्यावतार पुरुष कर्णोदुघोषाली तदीय अंशो गर्भदुघोषाई तदीय अंश क्षीरदुघोषाई, ऐसा करके विष्णु शब्दवाचक तत्व ही तदीय
सर्वावस्था ज्ञापक तत्व। यही श्लोक में खेरोद गोसाई विष्णु का तत्व निरूपण के द्वारा सांशो विलास निरूपण किया गया है। सत्वगुण अवतार विष्णु तत्व माइक सत्वगुण अवतार विष्णु तत्व माइक गुणादि मिश्रो शंभु तत्व से विलक्षण है। गोविंदो का जो स्वरूप है विष्णु यही एक ही स्वरूप शुद्ध सत्व स्वरूपता दोनों में ही विराजमान है। विष्णु निवृत्तो हेतु अर्थात प्रकटितो हेतु रूपे गोविंदो का साथ समान धर्मो विशिष्टो और त्रिगुणमयी माया को माया का अंदर में जो सतगुण है ये रजस्तम गुण में मिश्रित रहने से अशुद्ध तत्व निरूपण करना संभव नहीं। ब्रह्मा रजगुण में भी ब्रह्मा को रजगुण में विभावित कर भगवान ने सृष्टि का कर्म किया। शंभु को तमगुण में विभावित करके जगत का ध्वंस किया और आई बात समझ में। विभिन्न अंशों का हेतु यही है माया रज ओ तमगुणोद्वय नितान्त अकिंचित जो भी है सो विष्णु विष्णु पूर्ण सांश विलास और महेश्वर तत्व ये मायायुक्त न यद्यपि महेश का ही अवतार है ये माया का साथ जोड़ते नहीं है सो माया का प्रभु है। ठीक इसी मुताबिक गोविंद का शक्यत्व का प्रकरण रूप में बहुत सारे चर्चा आता है गोविंद का शक्यत्व के बारे में। लेकिन अगर विचार करके देखे तो इसमें कोई गलती है नहीं इसमें कोई गलती है नहीं अगर विचार करके देखे तो क्यों ये जो महाविष्णु गर्भोदयी ये समान जो चीज है इसमें आप तमाम चीजों का मूल है भगवान कृष्ण खिरद गोसाई विष्णु का रूप में हो और धर्म मूलम विष्णु इत्यादि और विष्णु ही ईश्वर अन्य गुण अवतारोद्वय और समस्त देवतागण इनके अधीन महादीप गोविंद का विलास मूर्ति से महाविष्णु गर्भोदसाई खिरोदसाई और रामादि सांशो अवतार सकल पृथक पृथक बहिर्गत बहिर्गत बा दशागत दीप स्वरूपे गोविंद का चित्त शक्ति के द्वारा विराजमान है। तो समान ब्रह्म संहिता में ये विचार करके सारे तत्वों का उपस्थापन किया गया और थोड़ा तात्विक विचार और ब्रह्म संहिता का आधार पर भगवान परम तत्व एक जो डिस्कशन चर्चा हमारा हुआ है इसका थोड़ा संक्षेप में अगर बोला जाए तो ये गुरु परंपरा किसको बोला जाता है गुरु सारे गुरु का आदि गुरु भगवान है कृष्णम वंदे जगत गुरु ये कृपा करके आदि को भी ब्रह्मा को तत्वोपदेश दिया जन्मादस्यतोन्मयादितरतश्चार्थेषु सराडो तेने ब्रह्म विदा जो आदि कवये मुह्यन्ति यः सुर इत्यादि
आदि कवि ब्रह्मा को तत्वोपदेश किया है। ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, व्यास से मध्वाचार्य, ऐसा करके गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार अगर हमारा पास एग्जैक्टली सेम सिद्धांत विचार पहुंचता है तो इसका नाम है परंपरा का यूटिलिटी है। अगर बीच में ये शिक्षा व्यवस्था का उल्टा कर दिया तो ये गुरु परंपरा बंद हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने मंत्र परंपरा भागवत परंपरा को जोड़कर दिखाया, मंत्र परंपरा और भागवत परंपरा को जोड़ के दिखाया। अगर विशुद्ध परंपरा का व्यवस्था नहीं है, अगर विशुद्ध परंपरा का जो जिसके द्वारा एकदम एग्जैक्टली शिक्षा ऊपर से नीचा आएगा तो फिर बीच में उल्टा हो जाएगा और फिर उसका बाद अमनाय प्राह तत्व के अनुसार भगवानी परम तत्व, ये भगवान वेद वेदो वेदों के द्वारा ही जाना जाता है, विश्व सत्व है, भेद सत्व, भेद सत्व जीव हरिदास, जीव सकल का अवस्थान भेद तारतम्य, भगवान का अमल भजन, यही अमनाय प्राह तत्यम, इसका बारे में चर्चा की। भगवान कौन है इसका बारे में ब्रह्म संहिता के विचार के आधार पर, जिन्होंने सियो अचिंत शक्ति का आधार पर समस्त जीव और जड़ों को सृष्टि करते हुए भी अपना अचिंत स्वरूप को अलग से रखा है, जिसका बारे में हमने बताया, आमी तो जगत पुषी जगत अमाते नामी जगत वसी ना जगत। जो भगवान अचिंत शक्ति के द्वारा जीव जगत को सृष्टि करके ईश्वर स्वरूप इन लोगों का अंदर में अनुप्रविष्ट होकर एवं ब्रह्म स्वरूप में इन के अतिक्रमण करके चिंतातीत अचिंत शक्ति के द्वारा अथच परशक्ति प्रकाशित सच्चिदानंद स्वरूप में जीवों का भक्ति वृद्धि का विषयभूत, अर्थात भक्ति के द्वारा भगवान दर्शन का विषय, इनका नाम भगवान। भगवान का शक्ति कितने प्रकार का, भगवान का शक्ति अनंत है, वर्णन करना संभव नहीं, शक्ति अनंत है, भगवान अनंत शक्ति और हम लोग फिनाइट जीव है, इसीलिए भगवत शक्ति को पराशक्ति बोला जाता है। हम लोगों का सामने हम लोगों का विचार का विषय ये नहीं है भगवान का पराशक्ति का लिए। भगवान के लिए सब कुछ संभव है, हम लोग क्षुद्र जीव है इसलिए हम लोगों के लिए संभव नहीं है। क्षुद्र जीव माया का चपेट में आ सकता है। भगवान किस अपना शक्ति का अधीन तत्व है, भगवान एक वस्तु परम वस्तु, शक्ति एक वस्तु नहीं है। ये जो भगवान एक वस्तु एवं शक्ति एक वस्तु, ऐसा अगर विचार करें तो गलत। दाहिका शक्ति अर्थात वेदांतों का विचार के अनुसार शक्ति शक्ति मत्तोर अभेद, शक्ति शक्ति मत्तोर अभेद, ये विचार करें। कोई अगर समझे कि भगवान एक अलग सा वस्तु है, शक्ति अलग सा, ऐसा नहीं है। जैसे आँख जल रहा है, आँख का अंदर में आँख का दाहिका शक्ति
जैसे विराजमान है अभिन्न, ऐसे ही भगवान के साथ भगवान का शक्ति अभिन्न है। शक्ति शक्ति मत्तुर अभेद। भगवान यदि अगर परम तत्व तो फिर महाप्रभु कृष्ण भक्ति उपदेश क्यों दिया है, ऐसा प्रश्न आता है। ऐश्वर्य विश्व वीर्य ऐश्वर्य वीर्य जशो श्री ज्ञान वैराग्य इच्छाए भगवान का नित्य गुण है, परिपूर्ण रूप में विराजमान है। कई गुण का अधिक प्रकाश, कई गुण का थोड़ा बहुत प्रकाश का अनुसार भगवत स्वरूप का उदय होता है। जैसे कि बराहदेव, बराहदेव आने के लिए बराहदेव का अंदर में कौन सी शक्ति चाहिए, कैसे अवतार होनी चाहिए, इसका विशेष है तो एक ही विष्णु तत्व भगवत स्वरूप। राम आने से, राम जी अगर आए कैसे शक्ति का जरूरी है, कितना तक, ये सारे विशेष है। कितना शक्ति कितना प्रकाश, सब गुणों का अधिक प्रकाश किसमें कम है, तो ये इसका उदय का भेद जरूर है। यहाँ ऐश्वर्य प्रधान प्रकाश, जहाँ नारायण परब्रह्म नाथ नारायण उदय, और जहाँ श्री बा माधुर्य बलवान, वहाँ वृंदावन चंदो से कृष्ण का उदय, ऐसा ही कृष्ण का भगवत का सर्वोत्तम प्रकाश है। फिर भगवान का स्वरूप कितना प्रकार का, भगवत स्वरूप एक ही प्रकार चिन्ह है लेकिन देखने में अलग अलग रखता है। परम सुंदर परमानंदमय सर्वाकर्षक लीलामय ओ विशुद्ध प्रेम गम्मो, विशुद्ध भक्ति प्रेम भक्ति के द्वारा भगवान को जाना जाए, जो कुंती देवी ने बचाए। जन्म ईश्वर्य सुतोषी विदेद मान मदह अपमानो नैव अर्हति अविदा तुम वही तम अकिंचन गोचर, तुम अकिंचन भक्तों का गोचरी होता है प्रेम के द्वारा। जीवों का स्वभाव का अनुसार नित्य स्वरूप में अनंत भेद आछे। जीवों का स्वभाव संस्कार के अनुसार, भेद के अनुसार जीवों का नित्य नित्य जो अपना अपना जो इंडिविजुअल नित्य स्वरूप का अनंत उदय भेद, आप समझा नहीं, बड़ा इजी है। ये जो जीव है अनंत काल से इनका संस्कार के अनुसार, जीवों का अपना संस्कार स्वभाव के अनुसार भेद, हर जीवों का चित पार्टिकल का नित्य स्वरूप का अनंत भेद है, स्पेशलिटी है, उदय भेद होता है। यही उदय भेद के कारण प्रकृति में डाइवर्सिटी पैदा होता है। ये उदय भेद सकल को नाना प्रकृति का जीव, जैसे एक जीव टाइगर बन के जन्म हुई, कई गिल कोई बंदर बन के, तो ये भिन्न भिन्न स्वरूप ओके होता है। कृष्ण स्वरूपी नित्य आनंदमय स्वरूप, ये समझ लेना। यहाँ चर्चा का थोड़ा विश्राम देना जरूरी है, आगे अगले सप्ताह से भगवान गुरु वैष्णव का कृपा के अनुसार श्री श्री रघुनाथ दास, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा विरचित मनोशिक्षा का गौरीय दर्शन के आधार पर धारावाहिक प्रवचन होने का संभावना है। ठाकुर जी का कृपा अगर हो तो होगा। आज यहीं तक ब्रह्म संगीता का अंतिम पर्व है, ये आज ब्रह्म संगीता का चर्चा समाप्त घोषित किया जा रहा है। क्षमा करे, इति ब्रह्म संगीतायम भगवत सिद्धांत संग्रहे मूलो सूत्राक्षो पंचम अध्याय समाप्त घोषित किया जा रहा। आज यहीं तक चर्चा का समाप्ति। यहाँ वांछा कल्पतरुष्य के पास सिंधु
पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।